हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपके साथ ना शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि कोरियन स्नैक है। इससे पहले मैंने ना कोरियन रामेंस बहुत सारे ट्राई करे हैं, सैमयांग का, नोंगशिम का, पाल्डो का, जिन का, तो और पता नहीं कौन सा करा होगा, बट फिलहाल ये मैंने इतने सारे करे हैं एंड आप चाहे तो उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, वरना आप आराम से जाके ना मतलब बेस्ट होगा कि मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना एंड वहाँ पे जाके देख लेना। बहुत सारे मतलब मस्त तरीके से मैंने कोरियन रामेंस अलग अलग वैरायटी के ट्राई करे हैं एंड इसमें मैंने ना टोपकी भी ट्राई करी थी, वो सैमयांग की टोपकी थी, वो भी आप ज़्यादातर देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। बट आज हम ट्राई करने जा रहे हैं केएस फूड की टोपकी एंड एक सेकेंड, मैंने एक मॉजलिन आई थिंक वो ब्रांड है, उसकी मैंने टोपकी ट्राई करी थी एंड उसका भी एक्सपीरियंस मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। बट अभी हम जो ट्राई करने जा रहे हैं वो है इसके बारे में ना, रुको, केएस फूड की टोपकी सॉस एंड इमुक का कॉम्बो। इमुक क्या होता है? इमुक, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वरना स्पेलिंग नीचे मैं लिख दूंगी, आप समझ जाएंगे। इमुक जो होते हैं वो होता है फिश केक्स एंड मैंने अपने बहुत टाइम पहले मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट का रिव्यू करा था जिसमें मैंने इमुक ट्राई करा था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं वो भी ऊपर लिंक कर दूँगी। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें लिंके हो गई हैं, तो फिलहाल अभी चलते हैं इसको बनाते पकाते और खाते हैं। इसको मैंने कोरियन फेयर इन इंडिया जिसमें मैं गई थी उसके अंदर मैंने इसको दिखाया था, बट मैंने ख़रीद पहले लिया था, जो कि ऑफलाइन शॉप्स होती हैं वहाँ से मैंने ख़रीदा था एंड वो थी सफदरजंग में एक ऑफलाइन शॉप थी, तो फिलहाल आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूँगी। बहुत सारे प्लगइन्स हो गए यहाँ पे तो बाई चांस वाले, तो फिलहाल चलिए चलते हैं। ये इंस्टेंट रेडी टू ईट वाली है, अप्रॉक्सीमेटली इसमें लिखा हुआ है कि 7 मिनट्स में तैयार हो जाएगी, बट हम तब भी इसको 10 मिनट्स की तैयारी लेके बैठेंगे एंड इसके अंदर में सॉस है, इमुक है एंड टोपकी है एंड ये फुल कॉम्बिनेशन है, तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। एंड दिस इज़ नॉन वेजिटेरियन, दिस इज़ नॉट वेज, ठीक है, तो चलिए चलते हैं बनाते पकाते और खाते हैं। सो लेट्स गो। सो वी आर बैक विथ केएस फूड की टोपकी। खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी एंड फनी सीन ये है कि जब मैं इसको बना रही थी ना, इसके जो प्रोसीजर था उसमें लिखा हुआ था कि 100 ml वाटर ही डालना है बस, एंड आई वॉज लाइक 100 ml बहुत कम नहीं, मतलब बहुत कम, तो इस वजह से मैंने अपनी कढ़ाई बदली, जो मैं पहले बड़ा सा एक थम लेती थी रामयन वगैरह के लिए, तो उसकी जगह मैंने ये थोड़ा सा छोटू वाला लिया कि अच्छी तरह से उसमें सेटल डाउन तो हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो मात्रा उसमें लिखी है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। एंड फॉर माई सरप्राइज ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से बन गया, मतलब मेरे को लग रहा था कि कब ना पड़ जाए पानी वानी, बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट। तो बेटर यही है कि अपना दिमाग ना लगाएं और जो प्रोसीजर है पहले, तो सबसे पहले तो आप उसी से बनाएं, उसके बाद फिर अपनी क्रिएटिविटी डालते रहें। अब मुझे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है बिकॉज खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने ना फ़िश केक इसके अंदर सिर्फ एक ही डाला, इसमें 2 आए थे, मोटू मोटू पीस थे, मगर मैंने सिर्फ एक ही फ़िश केक का पीस डाला, मैंने वो एक को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मेरे को ये था कि
ट्राई करना चाहिए, अगर हो सकता है अगर बाई चांस फिश केक का इतना टेस्ट ना आए तो वो वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर बन बना के, और अगर बहुत अच्छा लग गया तो चलो इसके साथ सही है, वो एक जो फिश केक है वो मैं आगे कभी यूज़ कर लूँगी, फ्रीज में तो डाल दिया इसका, फ्रिजर कर दिया मैंने उसको, तो अब चलिए खाते हैं। ठीक है चलो, ये मैं पहली बाइट। स्पाइसी है हल्का सा, मतलब मीडियम स्पाइसी है, मतलब ऐसा कि खा सकते हो आप वाला, मतलब अगर वो स्पाइसी नहीं खाता है उसके लिए थोड़ा मुझे क्वेश्चन मार्क है, बट हाँ स्पाइसी खाता है उसके लिए एकदम मिड स्पाइसी है, वो मज़ा आ रहा है खाने में। जब पहला बाइट लिया तो थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी सा टेस्ट आ रहा था, बट हो सकता है एकदम से स्पाइस के उसमें इसमें चले गए तो थोड़ा सॉल्टी ना, इसके जो ये है च्यूइनेस है वो जितने टाइम का मैंने इसको जिस बेस पे जितना उस पर टाइमिंग दिया था उस बेस पे मैंने बनाया है, तो 2 मिनट का था कि इसको बॉईल करना था तपोकी को, तपोकी क्या होते हैं राइस केक्स होते हैं, एंड बाकी 5 मिनट्स जो था वो था इसके सॉस के साथ इसके एमुक जो फिश केक है उन सबको मिक्स करना। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हार्डनेस है इसके अंदर, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा गर्म कर लिया जाए, थोड़ा सा हल्का सा और इसको गर्म कर देते हैं, बिकॉज अभी एज़ पर द टाइम जो इसमें दिया हुआ था उसके बेस पे थोड़ा हार्डनेस है, हल्की सी हार्डनेस है, वो जो तुम सॉफ्टनेस होती है ना वो नहीं है। तो 2 मिनट रुको मैं गर्म करके लाती हूँ, 2 मिनट और थोड़ा सा, और इसको 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा और पका देते हैं। आज फिर दिल लेके, तो अब हम इसको 1 मिनट माइक्रोवेव करके आए हैं, एंड मुझे थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा डाउटफुल था ज़्यादा कि अगर मैंने इसको पैन में वापस डाल के इसको गरम गरम करा तो ऐसा चिपक उपक ना जाए, मतलब इसकी सॉस वॉस, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि चलो 1 मिनट माइक्रोवेव करके देख लेते हैं, एंड अब इसको हम खाते हैं। पहले से सॉफ्टनेस बहुत अच्छी हुई है, मीठा और स्पाइसी का जो मिक्स टेस्ट होता है ना काइंड ऑफ वैसा है, एंड मैं ये बोलूँगी कि जब आप इसको बनाओगे ना, तो ना एक जब आप पूरा बन चुका होगा तो एक ट्रायल करने के लिए छोटा सा पीस खा के देख लेना, बिकॉज क्या पता जैसे अभी मैंने जो बनाया उस बेस में थोड़ा हार्ड था तो पक्की, बट अब मैंने इसको माइक्रोवेव करा 1 मिनट तो ये सॉफ्टनेस हो गई है बहुत अच्छी। सॉल्टी, मीठा, हल्का सा तीखा, ये मिक्स फ्लेवर है, स्पाइसी बेस में नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। जैसे मैं खा रही हूँ तो पता चल रहा है धीरे धीरे, वो जो पहला बाइट था वो एकदम से मुझे हल्का सा स्पाइसी लगा था, बट अब जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे ना जैसे ऐसे ऐसे हल्का सा एकदम वही मैं बता रही हूँ, मीठा स्पाइसी और ऐसे ही क्या बोलते हैं हल्का सा सॉल्टी सॉल्टी फ्लेवर आ रहा है। एक चीज़ है मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने एक फ़िश केक ट्राई किया, मतलब एक फ़िश केक बनाया, बिकॉज मैं अब ट्राई करके देखना चाह रही हूँ, एंड आई एम अ लिटिल डाउटफुल क्योंकि मैंने पहले ट्राई कर रखा है फ़िश केक, मुझे इतना पसंद नहीं आया था, एंड इसमें हल्का सा जैसे होता है ना थोड़ा सा चॉपस्टिक लग गई थी तो थोड़ा सा टेस्ट अलग सा हो गया था, और खा के देखते हैं। देखो प्रॉब्लम इज मुझे वो फिशी टेक्स्चर फ्लेवर फ्लेवर अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इस वजह से फ़िश केक इज़ अ पास फ्रॉम मी थोड़ा सा, हो सकता है आगे जाके मुझे कोई अच्छा वाला एकदम मिल जाए जिसमें मुझे लगे कि ओह ये तो यम्मी यम्मी हो गया। वो आपने वो सीरियल देखा था, वो ऑब्वियसली देखा होगा, वेट लिफ्टिंग फेरी किप बक्चू, उसके अंदर में जो भर भर के ना वो जो फ़िश केक्स खाती है तो उसको देख के ना मेरे को बहुत क्रेविंग होती थी कि यार फ़िश केक ट्राई करना है, एंड फिर मैंने ट्राई करा एंड वो मेरी क्रेविंग धरी की धरी रह गई। बट तपोकी ये वाली अगर मैं बोलूं सॉस इज़ वेरी थिक, नमकीन ज़्यादा हो रखा है, और सबसे ज़्यादा एक ये चीज़ ज़रूर है कि 300 के उसमें प्राइस में 299 के प्राइस में इसका पोर्शन इज़ कम, अगर मैं बोलूं प्राइस के बेस पे टेस्ट इज़ लाइक लिटिल बिट बेटर देन ओकेश,
बट क्वांटिटी वाइज कम है मेरे ख्याल से। हो सकता है कि ये जो इन्होंने ये फ़िश के उमुक दे रखे हैं इस वजह से ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। बिकॉज इससे पहले मैंने जो मॉजलिन की मैंने आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द प्रॉपर नेम ऑफ द ब्रांड, बट जो मैंने ट्राई करी थी मैं फ़ोटो लगा दूंगी, उसमें ना दो तपोकी के अलग से पैकेट दे रखे थे और उसकी सॉस दे रखी थी। इसके दिन में ये बस एक तपोकी का ये सॉस दे रखी है एंड फ़िश केक्स अलग से दे रखे हैं और इसकी पैकेजिंग में थोड़ी सी डिफरेंस ये थी। तो लीजिए आती है, थोड़ा सॉल्टी पन ज़्यादा जा रहा है खाने में, मीठा सॉल्टी दोनों ज़्यादा जा रहा है। आफ्टर टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है मीठा मीठा, तो ये मेरे लिए ओके था, मेरे लिए था। बाकी सबका अपना टेस्ट बड होता है, आपको जो पसंद है मुझे जो पसंद है सब अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद है, तो समझ रहे हो आप ये चीज़। तो फिलहाल ये मैंने ट्राई करके देख लिया, बहुत टाइम से मुझे मन था इसके इस फूड का ट्राई करने का एंड आई ट्राइड इट। एक चीज़ है कि क्या आप चाहते हो कि मैं होममेड तपोकी बनाऊँ, मतलब कि एकदम फ्रॉम द स्क्रैच कैसे घर पे आप तपोकी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उसको प्रॉपर एक अच्छी तरह से उसका वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं हम उसके बारे में अच्छी तरह से आगे सोचेंगे। एंड उसके बारे में हम सोच तो बहुत टाइम से रहे थे, बट अगर आपकी वोटिंग अच्छी रही ना तो उसको पक्का से फटाफट फटाफट बनाएंगे, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि मज़ा आएगा यार बनाने में, क्या जाता है एंड उसकी सॉस के साथ, ऑब्वियसली ऐसे खाली खाली तपोकी नहीं, उसके सॉस के साथ। तो अभी फ़िलहाल हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक चीज़ है कि इसका जो ये फ़िश केक है इसका साइज़ इज़ वेल एंड गुड, तो आई थिंक प्राइस के बेस पे और फ़िश केक के बेस पे दिस इज़ गुड, टेस्ट बेस पे दिस इज़ ओके, बट हम थोड़ी और अच्छी सी इंस्टेंट ढूंढना चाहेंगे, बहुत अच्छी थी तो पकीस। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी आपको बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ दिखाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना और हम आपको जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।